तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप सबको गूगल पे से पूरे 25,000 रुपये का अमाउंट लेकर के दिखाया हूँ। तो अगर आप सबको पैसे की ज़रूरत पड़ गया है, गाइस इमरजेंसी में है, तो आप सब 8 लाख तक का अमाउंट यहाँ पे ले सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दिया हूँ। तो चलिए आप सबका बिना समय वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल्स में सभी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज आप सबको यहाँ पे अपना गूगल पे को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप सबको एक ऑप्शन मिलेगा लोन वाला, आप सबको सिंपली इस वाले पे ही क्लिक करना है। अब जैसे ही गाइज इस वाले पे आप सब क्लिक करेंगे, आप सबके सामने एक नए पेज होगा। यहाँ पे आप सबको 10,000 से 8 लाख तक का राशि यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि 6 मंथ से 4 साल का समय मिलेगा। तो आप सबको ये लोन चाहिए तो सिंपली नीचे अप्लाई नाउ है इस वाले पे आप सबको क्लिक करना है। अब जैसे ही गाइस आप सब यहां पे क्लिक करेंगे तो आप सबके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहां पे आप सबको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिखाई देगा, आप सब नीचे कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पे अब आप सबको अपना पिन कोड यहां पे फिल करना होगा, जो भी आप सबका एरिया पिन कोड है यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों अब आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएंगे, तो यहाँ पे आप सबको फुल नेम यहाँ पे फिल करना है, पैन कार्ड का नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे और नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सबको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप सब सैलराइड है या सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके बाद नीचे नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप सबको अपना मंथली इनकम डालना है, एक मंथ में जितना कमाते हैं यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सबको जेंडर को सिलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल वाले पे टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे आप सबको अपना इंटर डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, जो आप सबके पैन कार्ड पे है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सबका एड्रेस लेगा, एड योर होम एड्रेस है, तो यहाँ पे आप सब जो है अपना मैप से ही यहाँ पे एड्रेस को फिल कर देंगे। हम यहाँ पे मैप से ही अपना एड्रेस को कंप्लीट कर लेते हैं, एड कंप्लीट एड्रेस है, इस वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैप से ही आप सबको ले लेना है। उसके बाद सिटी को यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद सेव एड्रेस वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सबका एड्रेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे चूज रेसिडेंट टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे, रेंट पे है तो रेंट पे, ओनर है तो ओनर। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सबको चूज करना है आप सब कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं, अपना ईयर्स और मंथ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अब आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएगा, यहाँ पे आप सब अपना बिजनेस को नेम दे देंगे। हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड दिए थे तो बिजनेस नेम देना होगा, तो बिजनेस का नेम यहाँ दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। अमाउंट को चूज करना है कि आप सबको कितना अमाउंट चाहिए, अपना अमाउंट को यहाँ पे चूज करेंगे। 10 से 8 लाख तक का अमाउंट आप सबको मिलता है, तो आप सबको जितना अमाउंट लेना है यहाँ पे आप सबको अपना अमाउंट को चूज करना है। तो हम फिलहाल गाइस यहाँ पे 25,000 का अमाउंट जो कि लेकर दिखाए हैं, तो हम यहाँ पे 25,000 का अमाउंट को चूज करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आएगा, तो यहाँ पे आप सबको इस बॉक्स में चेक मार करके एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन है, इसको एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद गाइस अब आप सबके सामने, उसके बाद आप सबके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप सबको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो है दोस्तों आप सबको यहाँ पे 90 सेकंड का टाइम मिलेगा, पेज को आप सब यहाँ पे बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे, आप सबको वेट करना है 90 सेकंड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि मेरा लोन अमाउंट जो है अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पे देखिए कि लोन जब आप सबको अप्रूवल मिलेगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा, 25,000 का अमाउंट हम मुझे यहाँ पे चाहिए था जिनको मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो अमाउंट यहाँ पे 25,000 है। अब यहाँ पे हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो आप सबको जितना अमाउंट चाहिए स्टार्टिंग में ही सिलेक्ट करेंगे, तो हम मैक्सिमम 25 किए थे, अप्रूवल मिल चुका है, तो यहाँ पे 10 से 25 ले सकते हैं और यहाँ पे टेनर 6 से 12 मंथ के लिए मिल सकता है। तो मुझे यहाँ पे लोन चाहिए तो 25,000 का ही अमाउंट चाहिए 12 मंथ के लिए, तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू है इस वाले पे क्लिक करेंगे, तो 25,000 का जो अमाउंट मिलेगा यहाँ पे 2474 रुपये का पर मंथ का ईएमआई बनेगा 12 मंथ के लिए, तो हम यहाँ पे 25,000 का ही लोन लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सबका रिव्यू एंड कन्फर्म योर लोन रहेगा, तो आप सबको नीचे यहाँ पे डिटेल्स में देखने को मिलेगा लोन अमाउंट जितना है, यहाँ फीस क्या लगेंगे यहाँ देखने को मिलेगा, जैसे कि 1180 है बैंक अकाउंट में, 23,820 रुपये आएंगे 12 मंथ के लिए हैं, 2474 रुपये का पर मंथ का ईएमआई है। तो इस लोन को लेना चाहते हैं तो कन्फर्म लोन वाले पे आप सबको क्लिक करने होंगे। उसके बाद दोस्तों अब आप सबको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है केवाईसी का, बैंक डिटेल का, तो आप सबको केवाईसी करना है, स्टार्ट केवाईसी वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब आप सबको कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस वाले पे आप सबको क्लिक करना है। तो उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे आप सबको अपना केवाईसी को करना है, मतलब कि यहाँ पे एक सेल्फी लेना होगा और उसके बाद कन्फर्म वाले पे आप सबको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप सबको लेकर आएगा डिजी लॉकर के पेज पे, तो यहाँ पे आप सबको अपना आधार नंबर फिल करना है, इस कैप्चा को यहाँ डालेंगे, नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद आप सबके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे डाल करके कंटिन्यू वाले पे आप सबको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप सबका यहाँ पे नाम जो है वेरीफाई कर लेगा, आप सबको नीचे अलाउ का ऑप्शन है इस वाले पे क्लिक करेंगे तो आप सबका यहाँ पे केवाईसी वाला ऑप्शन जो है कम्प्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों आप सबको यहाँ पे बैंक करना है तो बैंक कंटिन्यू वाले पे आप सबको क्लिक करना होगा। तो उसके बाद जो है गाइस अब आप सब यहाँ पे देखेंगे कि लोन अमाउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा 25,000 रुपए है और इसका लोन जो नंबर है यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग, तो डेबिट कार्ड वाला अगर आप सबके पास डेबिट कार्ड अवेलेबल है तो डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बैंक का नेम यहाँ फिल करेंगे, अकाउंट टाइप को, अकाउंट नंबर को, आईएफएससी कोड को, अकाउंट होल्डर नेम को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएंगे गाइस, तो यहाँ पे नीचे आप सबको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले पे आप सबको क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जो है गाइस यहाँ पे अब आप सबको कार्ड नंबर यहाँ डालने होंगे और एक्सपायरी डेट को यहाँ डालेंगे, सीवीसी नंबर को यहाँ डालेंगे, कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे, आप सबके बैंक से जो भी नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल करके आप सब जो है यहाँ पे अपना ऑटो सेटअप को कम्प्लीट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाएगा, मेरा यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों चीज कंप्लीट है, हम यहाँ पे रिव्यू एंड लोन एग्रीमेंट वाले पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही इस वाले पे क्लिक करेंगे एक बार और आप सबको लोन का डिटेल्स वगैरह देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप सब एक बार ध्यान से देख लेंगे। अब जैसे ही आप सब नीचे आएंगे और कन्फर्म करेंगे सीधा बैंक अकाउंट में राशि को ट्रांसफर किए जाएंगे तो आप सबका पूरा डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप सब ध्यान से चेक कर लेंगे और उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू है इस वाले पे क्लिक करना है। अब जैसे ही गाइस इस वाले पे क्लिक करेंगे आप सबके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और आप सबका लोन अमाउंट यहाँ पे फाइनल सबमिट जो कि कम्प्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि फाइनल सबमिट हो चुका है, 24 घंटा का समय लिया जाएगा आप सबके बैंक अकाउंट में राशि को ट्रांसफर करने के लिए। गो इट है इस वाले पे आप सब क्लिक करेंगे तो अब आप सबको यहाँ पे लोन का स्टेटस दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए कि प्रोसेसिंग में चला गया है, 25,000 का लोन अमाउंट है, सारा कुछ है, 24 घंटा के अंदर आप सबके बैंक अकाउंट में राशि को ट्रांसफर किए जाएंगे। तो गाइज ये लोन जो है मैं खुद नहीं लिया हूँ, मैं अपने दोस्त को दिलवाया हूँ। जिस समय मैं दिलवाया उस समय वॉइस ओवर करने का जो है समय नहीं था, इसलिए इस वीडियो को पहले मैं रिकॉर्ड कर लिया था और अभी जो है मैं आप सबको वॉइस ओवर करके बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाया हूँ। मैं ही अप्लाई किया हूँ, मैं अपने दोस्त का अप्लाई किया हूँ, यहाँ पे 25,000 रुपये अप्रूवल मिल चुका है, बैंक अकाउंट में पैसा भी आ चुका है। दो दिन पहले मैं ये लोन को अप्लाई किया था, पैसा वगैरह सारा कुछ आ चुका है। आप सबको पैसे चाहिए तो कुछ इस प्रकार से भी अप्लाई करके आप सब गूगल पे से 8,00,000 तक का अमाउंट को ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।